What is up guys, welcome to Fanblaze, आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर फैंटेसी गेमिंग एंड मैच प्रीव्यू। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूरो 2020 में नेदरलैंड्स और यूक्रेन के बीच ग्रुप सी में होने वाले मुकाबले का फैंटेसी मैच प्रीव्यू। ये मैच होने वाला है नेदरलैंड्स के एम्स्टरडम एरेना में। इंडियन समय के अनुसार 14 जून 2021 को रात 12:30 बजे इस मैच की शुरुआत होगी। रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो दोनों टीम्स इस मैच में एक अच्छे फॉर्म में एंटर कर रही है। लास्ट 5 मैचेस में 3 विन्स है दोनों टीम के नाम और जीत का ये फॉर्म ऐसे ही बरकरार रखना चाहेगी ये दोनों टीम्स। अब तक सिर्फ 2 बार आमने सामने आई है ये दोनों टीम्स। एक मैच नेदरलैंड्स ने 3-0 से जीता तो दूसरा मैच 1-1 के स्कोर पर ड्रॉ रहा है। इस मैच में जीत के साथ नेदरलैंड्स के खिलाफ अपना स्कोर ओपन करना चाहेगी ये यूक्रेन की टीम। देखते हैं दोनों टीम्स की एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग लाइनअप्स कैसी हो सकती है। शुरू करते हैं नेदरलैंड से। नेदरलैंड्स के मैनेजर फ्रैंक डे बोअर ने रिसेंटली अपनी टैक्टिक्स में चेंजेस किए हैं। अभी एक डिफेंसिव 5-3-2 फॉर्मेशन में सेटअप करते हैं अपनी टीम को डे बोअर। यूरो 2020 के फर्स्ट मैच में भी यही फॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है नेदरलैंड से। नेदरलैंड्स की स्टार्टिंग लाइनअप कुछ ऐसी हो सकती है। यूक्रेन को मैनेज कर रहे हैं उनके कंट्री के लेजेंड एंड्रे शेवचेंको। शेवचेंको अपनी टीम को एक स्टेबल 4-1-2-3 फॉर्मेशन में खिलाना पसंद करते हैं। यूक्रेन की एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग लाइनअप कुछ ऐसी दिख सकती है। अब बढ़ते हैं फैंटेसी पिक्स की तरफ। पहले देखते हैं नेदरलैंड्स की प्लेयर्स की लिस्ट। फर्स्ट नेम इज मेम्फिस डिफाय। नेदरलैंड्स के टीम के कैप्टन डिफाय जबरदस्त फॉर्म में है। लास्ट 5 मैच में नेदरलैंड्स के लिए 6 गोल और 3 असिस्ट कंट्रीब्यूट किया है डिफाय ने। नेक्स्ट प्लेयर इज मिडफील्डर जॉर्जिनियो वाइनाल्डम। लास्ट 5 मैच में 1 गोल और 2 असिस्ट है वाइनाल्डम के नाम। डे बॉल का रिसेंट फॉर्मेशन वाइनाल्डम को बेहद सूट करता है। डिफेंडर्स में हमने लिया है ओवेन वाइनाल्ड। लास्ट 5 मैच में 2 असिस्ट है इस डिफेंडर के नाम और वाइनाल्डम के साथ वाइनाल्ड को भी फॉर्मेशन चेंज का फायदा हुआ है। अब देखते हैं यूक्रेन के प्लेयर्स की तरफ। फर्स्ट पिक फ्रॉम यूक्रेन अटैक इज एंड्रे यर्मोलेंको। पिछले 5 मैच में 2 गोल और 1 असिस्ट है इनके नाम और साथ ही पेनल्टीज भी लेते हैं यर्मोलेंको। नेक्स्ट अप इज मिडफील्डर रुसलान मालिनोवस्की। लास्ट 5 मैचेस में सिर्फ 1 गोल है इनके नाम लेकिन यूक्रेन के लिए सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट भी करते हैं मालिनोवस्की। डिफेंडर ओलेक्सेंडर जिनचेंको इज अ फाइनल पिक फ्रॉम यूक्रेन। लास्ट 5 मैच में 1 गोल और 1 असिस्ट है इनके नाम। डिफेंडर होने के अलावा मिडफील्ड में खेलते हैं जिनचेंको। मोर ऑफ अ फ्लोटिंग विंगर टाइप खेलते हैं और इसीलिए गोल्स में भी इन्वॉल्व रहते हैं ये मैनचेस्टर सिटी के डिफेंडर। अब देखते हैं हमारे टॉप पिक सेक्शन जिसमें हम डिस्कस करेंगे मस्ट हैव और पन पिक्स टू टारगेट फॉर दिस मैच। मस्ट हैव की लिस्ट में है मेम्फिस डिफाय, जॉर्जिनियो वाइनाल्डम, एंड्रे यर्मोलेंको और ओलेक्सेंडर जिनचेंको। पन पिक्स में हमने चूज किया है वाउट वेगोस्ट, डेली ब्लिंट, रोमन यारेमचुक एंड वाइटली माइकोलेंको। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैप्टनसी ऑप्शंस, प्लेयर्स यू कैन टारगेट टू हैव कैप्टन एंड वाइस कैप्टन इन योर फैंटेसी टीम। फर्स्ट प्लेयर है मेम्फिस डिफाय। जैसे कि हमने बताया डिफाय ने लास्ट 5 मैच में 6 गोल और 3 असिस्ट कंट्रीब्यूट किए हैं तो वही पिछले 10 मैचेस में क्लब एंड कंट्री के लिए खेलते हुए 10 गोल और 4 असिस्ट में इन्वॉल्वमेंट रहा है मेम्फिस डिफाय का। नेक्स्ट प्लेयर टू टारगेट कैन बी एंड्रे यर्मोलेंको। यूक्रेन के कैप्टन यर्मोलेंको हैज 9 गोल्स एंड 1 असिस्ट इन हिज लास्ट 10 मैचेस एंड इज ऑल्सो ऑन सेट पीसेस एंड पेनल्टीज। इफ यू लाइक टू राइट डिफरेंशियल यू कैन हैव वाउट वेगोस्ट एंड जॉर्जिनियो वाइनाल्डम एज योर ऑप्शंस। वाउट वेगोस्ट हैज 1 गोल इन हिज लास्ट 5 गेम्स एंड 4 गोल्स एंड 3 असिस्ट इन हिज लास्ट 10 मैचेस अक्रॉस कॉम्पिटिशन। वाइनाल्डम ऑन द अदर हैंड हैज 1 गोल एंड 2 असिस्ट इन हिज लास्ट 5 मैचेस एंड प्लेज इन एडवांस पोजिशन इन दिस फॉर्मेशन। हमारी इस मैच की आइडियल फैंटेसी टीम दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने फैनब्लेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी कर ले, इससे आपको फैंटेसी टीम बनाने में हेल्प होगी। और अगर आप लाइनअप्स और मैच फैक्ट्स मिस नहीं करना चाहते तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। मैं आपको दूंगा 2 टीम्स, एक हेड टू हेड मैच के लिए और दूसरी मेगा लीग के लिए। हमारी हेड टू हेड मैच की टीम कुछ ऐसी दिखेगी। गोलकीपर होंगे मार्टिन स्केल्टनबर्ग, डिफेंस में होंगे ओवेन वाइनाल्ड, ओलेक्सेंडर जिनचेंको,
स्टीफन डेविज और वाइटाली मलकिनको। मिडफील्ड में होंगे जॉर्जिनियो वाइनाल्डम, रुस्लान मैलिनोवस्की और अलेक्जेंडर ज़ुबकोव। अटैक में हमने लिया है एंड्रे यर्मालेन्को, मेम्फिस डिपाई एंड वाउट गोस्ट। मेम्फिस डिपाई इज आर कैप्टन एंड एंड्रे यर्मालेन्को इज आर वाइस कैप्टन फॉर दिस टीम। अब देखते हैं हमारी मेगा लीग की टीम। मेगा लीग में हमने लिया है मार्टिन स्केल्टनबर्ग, डिफेंस में लिया है डेली ब्लिंड, वाइटाली माइकोलेन्को, अलेक्जेंडर जिनशेन्को एंड ओवन वाइनाल्ड। मिडफील्ड में लिया है रुस्लान मैलिनोवस्की, फ्रेंकी डी जोंग और जॉर्जिनो वाइनाल्डम। फॉरवर्ड्स में होंगे वाउट वेरगोस्ट, रोमन यारमचुक एंड मेम्फिस डिपाई। वाउट वेरगोस्ट हमारे इस टीम के कैप्टन है, तो वही जॉर्जिनो वाइनाल्डम इस टीम के वाइस कैप्टन। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही मैच रिव्यू वीडियोस बनाते रहूं, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, नीचे कमेंट करें कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पसंद आया। फैन प्लेयर्स के इंस्टा पेज को फॉलो करना मत भूलिए, सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ऐसे ही एक यूरो 2020 मैच रिव्यू वीडियो में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग फैन प्लेयर्स। थैंक यू गाइज़।